welcome back to my channel my name is ratika gupta and guys topic for today is section 13a of the hindu marriage act 1955 which deals with alternate relief in divorce proceedings guys so far i've covered section 13 clause 1 and 2 related to fall theory and section 13 1a pertaining to irretrievable breakdown of marriage theory so guys if you have not watched my previous videos yet please go and watch those videos all the important aspects and theories pertaining to you know, divorce have already been covered by me in greater detail. Today, guys, we are going to discuss section 13a, which is quite short and easy. So, guys, as always, if you're new to my channel and if you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section below. So, guys, let's get started with section 13a, which talks about alternate relief. अब ऑल्टरनेट रिलीफ का मतलब होता है क्या है कि डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स में आपको एक ऑल्टरनेट रिलीफ दिया जाता है जुडिशियल सेपरेशन का सेक्शन थर्टीन ए बोलता है कि बहुत बार क्या होगा पार्टीज एक ओरिजिनल फाइल करती है वो डिवोर्स पिटिशन होती है अगर कोई ओरिजिनल डिवोर्स पिटिशन है उन डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स में कई बार एक एकट रिलीफ दिया जाता है जुडिशियल सेपरेशन का कोर्ट की तरफ से लेकिन हर एक केस में ऐसा नहीं होता अगर कोर्ट को लगता है कि इफ़ इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस अगर पार्टीज़ के हित में है ये चीज या फिर अगर कोर्ट को लगता है कि केस you know, हमें है कि एक, at एक बार जुडिशली सेपरेट कर दिया जाए तो बहुत बार कोर्ट क्या करता है डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स में एक ऑल्टरनेट रिलीफ देता है जुडिशियल सेपरेशन का मतलब कि डिवोर्स देने से पहले

Divorce, एक ये है, बाद से शादी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी लेकिन सेपरेशन में क्या होता है कि कोहैबिटेशन कम्स टू एन एंड इवन टर्मिनेशन ऑफ मैरिज यानी कि मैरिज इज स्टिल्व नहीं होती है सिर्फ और सिर्फ And कुछ देर के लिए एक साल के लिए सस्पेंड हो जाते हैं इसको हम जुडिशियल बोलते हैं कि जुडिशियली आपको सेपरेट किया जाता है। so guys, पे अगर अगर नहीं होती उसमें गायस क्या होगा देर आर टू वेस या तो जुडिशियल सेपरेशन के बाद रिकॉन्सिलेशन हो जाएगी या फिर डिवोर्स होगा तो दो ही चीजें होती है मैंने आपको सेक्शन टेन में भी बताया था कि जुडिशियल सेपरेशन कोर्ट एक बार ट्राई जरूर करता है जुडिशियली पार्टी को एक साल के लिए सेपरेट करने की कोशिश

फिर डिसॉल्व कर सकते डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज हो जाएगी लेकिन अगर आपको लगता है कि रिकॉन्सिलेशन हो सकती है तो उनको सेपरेट किया जाता है सो so, ये कॉन्सेप्ट होता है कि पार्टीज कहीं ना कहीं कोर्ट अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है so, सो तो 1976 में

अगर जुडिशियल सेपरेशन के बाद शायद से रिकॉन्सिलेशन हो जाए एक साल में

वन ए दैट इज इ रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज थ्योरी अब गाइज इसमें एक एक्सेप्शन है कि अदरवाइज हर एक केस में कोर्ट क्या कर सकता है डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स को बदल सकता है जुडिशियल सेपरेशन में इफ़ इट कंसीडर्स इट फिट और रीजनेबल सो टू डू अगर कोर्ट को ठीक थी, लगता है इन फैक्ट इन इन द इन द लाइट ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमशन ऑफ दैट केस लेकिन गाइज अगर कोई भी डिवोर्स की पिटिशन फाइल की गई है ऑरिजिनल डिवॉर्स की फाइल की गई है ऑन द ग्राउंड ऑफ यू नो कन्वर्जन ऑफ योर रिलीजन दैट इज कन्वर्जन अगर आपने चेंज ऑफ रिलीजन किया प्राउंसिएशन किया या फिर ऑफ डेथ इन थ्री में कोर्ट आपको पास नहीं करेगा ऑफ ऑफ सेपरेशन अगर डिवॉर्स के लिए आपने फाइल किया है तो आपको डिवॉर्स ही मिलेगा वहां पर आपको जुडिशियल सेपरेशन नहीं मिलेगा ये तीन आपके क्या है एक्सेप्शन हैं यानी कि सेक्शन थर्टीन अगर आप देखो क्लॉज टू अगर आपने मेरा सेक्शन थर्टीन देखे फॉल्ट ग्राउंड्स यानी कि सेक्शन थर्टीन क्लॉज वन जहाँ पे हमने फॉल्ट ग्राउंड्स को डिस्कस किया फॉल्ट थ्योरी को अगर आपको वो लेक्चर्स आपने देखे हैं, तो आपको पता है कि सेक्शन थर्टीन क्लॉज टू सिक्स एंड सेवन क्या कहता है क्लॉज टू डील्स विद चेंज ऑफ रिलीजन क्लॉज सिक्स डील्स विद रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड क्लॉज सेवन ऑफ सेक्शन थर्टीन डील्स विद

कोई एफॉर्मेटिव प्रूफ नहीं है हमारे पास कि दी अदर पर्सन इज अलाइव और इज डेड लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोर्ट प्रिज्यूम कर लेता है कि दी अदर पर्सन इज डाइड क्योंकि सात साल से इसका कोई अता पता नहीं है वेर अबाउट्स नहीं है सो गाइज इन सिचुएशन को एक्सेप्शन क्यों बनाया गया है क्यों कहा जाता है कि इन थ्री सिचुएशन में ऑरिजिनल पिटिशन अगर डिवॉर्स के लिए फाइल की गई है तो डिवॉर्स से मिलेगा यहां पे कोर्ट ट्राई नहीं करेगा जुडिशियल सेपरेशन क्योंकि गाइज उटैंड so कर रहे हो उसको डिवोर्स दो डिवोर्स तो और वो रीमैरिज करवाने वाला बने क्योंकि मैंने आपको बताया कि तब तक आप रीमरिज नहीं करवा पाओगे जब तक डिवोर्स की डिग्री आपकी मैरिज को डिजोल्व नहीं करती तो एक साल का टाइम पीरियड यहाँ देना चाहिए गुड ठीक है टू द स्पाउस हु इज लेफ्ट बिहाइंड सिमिलरली चेंज ऑफ रिलीजन में भी और रिनाउंसिएशन में जब आपके हस्बैंड और वाइफ ने रिनाउंसिएट ही कर दिया दुनिया को दुनियादारी की वर्ल्ड लाइफ को रिनाउंस करके संन्यास ही ले पर्सन विल नॉट कम बैक एंड स्टार्ट विद यू ऑल ऑल ऑफ ऑफ अ सडन वो वापस से ऑफ कोहैबिटेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है यानी कि जुडिशियल सेपरेशन इज नथिंग बट निजम्पन ऑफ कोहैबिटेशन रिकॉन्सिलेशन और रिफिकेशन बिटवीन द पार्टीज लेकिन जिस इंसान ने इस चीज को छोड़ ही दिया या हिंदू रिलीजन को ही रिनाउंस कर दिया तो वहां पर देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकॉन्सिलेशन एन यूर तो इन सिचुएशन की एक्सेप्ट सेंस है यहाँ पे कोर्ट ओरिजिनल पिटीशन अगर डिवोर्स के लिए फाइल की गई है तो डिवोर्स के लिए ही वो आपको अलाउ करेंगे ज्यूडिशियल सेपरेशन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है सो इफ वी गो बाय दी यू नो बैरेट वर्डिंग बहुत इजी है लिखा है कि इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इस एक्ट में हिंदू मराचक 1955 में जितने भी प्रोसीडिंग्स होंगी ठीक है अगर कोई पिटिशन फाइल की गई अब पिटिशन फॉर रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज अ अडिक्री ऑफ डिवोर्स तो आप क्या चाहते हो आपने ओरिजिनल पटीशन किस चीज के लिए फाइल करी थी डिवोर्स के लिए फाइल करी थी दैट पिटिशन ठीक है ये एक्सेप्शन को छोड़ के अगर कोई भी पिटिशन डिवोर्स के लिए डिवोर्स के लिए फाइल की गई है तो कोर्ट क्या करेगा द कोर्ट में गाइज इज यहाँ पे मे है इट मीन्स शैल नहीं है शैल नहीं है इट मीन्स हंड्रेड परसेंट ऑब्लीगेटरी नहीं है कोर्ट को अगर ठीक लगा इफ इट थिंक्स इट

कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और अगर हम उनको एक साल का टाइम देंगे जुडिशल सेपरेशन के थ्रू भी दैट विल बी ऑफ नो गुड वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा इट विल बी इनफैक्ट फैक्ट प्रोलॉन्गिंग द एगनीज ऑफ द पार्टीज यानी कि देर इज नो मैरिट इन प्रिजर्विंग इन टैप द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज देन बेटर डिजॉल्व इट फिर कोर्ट डायरेक्टली आपको डिवॉर्स ही दे देगा ऑल्टरनेट रिलीफ की बात नहीं करेगा इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ इज टू तो प्रिजर्व अ मैरिज कोर्ट की कोशिश रहेगी मैरिज को प्रिजर्व करना उसको प्रोटेक्ट करना एंड यू नो प्रिवेंट इट फ्रॉम ब्रेकअप उसको ब्रेकअप से बचाना और यही हमारा सोशल एम है अगर कोर्ट करेगा अगर कोर्ट को ठीक लगेगा तो वो करेंगे अदरवाइज डायरेक्टली डिवोर्स मिल जाएगा एंड वॉट हैपन्स इज लैप्स ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप ये कुछ भी नहीं होगा आपके मैरिटल रिलेशनशिप का लैप्स होगा अ बिग फेलियर ऑफ अ पर्सन मैरिटल रिलेशनशिप I hope, guys, section 13a is quite clear to you. still if you have any doubt pertaining to it, please, please feel free to comment in the comment box. I'll be replying to all your doubts and queries. Till then, guys, keep learning, keep shining, stay safe, and bye bye.